सिंहेश्वर के ग्राम खुरसा में बिजली विभाग के मनमानी रवैये से ग्रामीण खासा परेशान है। ग्रामीण कृषकों को धान की फसल लगाने दिए गए टेम्पररी कनेक्शन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीण अपने खेत में लगे नलकूप का हवाला देते हुए टेम्पररी कनेक्शन लेकर सूखी नदी से नलकूप से सिंचाई कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने बकायदा बिजली के तारों को बेतरतीब तरीके से नदी में फैला रखा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे चले जाने से ग्रामीण इसी नदी को पीने का पानी और निस्तार के लिए उपयोग में लाते हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से जांच कर अवैध नलकूप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पानी कहाँ से ला रहे हो खेत में पलाने के लिए? नदियाँ से कब कब से ला रहे हो? कितने दिन हो गए? एक साल हो गया। इसके पहले और ला रहे थे? पानी तो इकरे नाम से ना पूरा गाँव में पानी के बहुत कमी और कनेक्शन नदिया से लेके करते मन उनका कहते मिस्त्री गांव मिस्त्री है ना ओकर से ना मिल के वहाँ बिजली विभाग से लेके पूरा ये करते। बहुत नुकसान है, पानी पीने बहुत तकलीफ मिलता है, पानी नहीं मिल पाता है। बहुत तकलीफ है यहाँ पानी पिए खाए में, तो ये बंद हो गया तो पानी सही तरीका से पिए खाए बर मिली। अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कितने लंबे समय से जो है ये पानी में तारे जो है छोड़ी गई है यहाँ पर, और क्या कोई हादसा हो चुका है क्या इससे पहले? विद्युत विभाग के द्वारा एक बड़ा लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। यहाँ पे जो आदिवासी वनांचल गांव है, विगत 10 वर्षों से यहाँ पे अवैध कनेक्शन लेकर के ग्रामीणों के द्वारा नदी से सिंचाई किया जा रहा है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे हर साल पालतू मवेशी जो है करंट के चपेट में आकर के खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक सातवीं कक्षा का जो बालक है, पिछले वर्ष खेत में ही कच्ची कनेक्शन के चलते उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई है, और लगातार यहाँ पे घटना होने के बावजूद भी यहाँ पे जो विभाग के गैर जिम्मेदाराना लोग हैं उनके द्वारा अस्थायी कनेक्शन खेत बोने के लिए तो दिया जाता है, नलकूप भी लगाने के लिए, लेकिन ये जो ग्रामीण है विद्युत विभाग की जो मार्फत कर्मचारियों की संलिप्तता के चलते वे नदी में अवैध कनेक्शन करके नलकूप के माध्यम से सिंचाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे इस आशय की जानकारी लिया जाए कि आपने इस ग्राम में कितने अस्थायी कनेक्शन दिए हैं, तो वर्तमान में अभी किसी भी ग्रामीण को अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया गया है, और ये टोटल अवैध रूप से सभी ग्रामीण जो यहाँ पे चला। पर इतने लंबे समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आखिर क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा है, क्यों बदलाव नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से आपने बताया काफी लोगों की यहाँ पे मौतें भी हो चुकी हैं इस दौरान, तो क्या और मौतों का आंकड़ा बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं विभाग के लोग? जी, विभाग के जिम्मेदारों से चर्चा करने पर ये बताया जाता है कि ये सब आजकल जो वर्तमान में ठेका सिस्टम दे दिया गया है, स्थानीय स्तर पर जो विद्युत विभाग है उनके यहाँ भी मार्फत कर्मचारियों की जो संख्या बहुत ही कम है, और बिजली बिल की वसूली से लेकर के नया मीटर कनेक्शन लगाने तक और अस्थायी कनेक्शन देने तक के ठेकेदारों के हवाले पूरा विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके चलते ये ठेकेदार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले कृषकों के बीच में लुभाने प्रपोजल ला करके मनमानी तरीके से अवैध वसूली करते हैं, और कहीं कहीं निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त नजर आते हैं। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए जितेंद्र।